कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं वो बहुत पुरानी है, ईसा से कोई 330 साल पूर्व। ये वो समय था जब मैसिडोनिया का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के जोर पे एक के बाद एक देशों को रौंद रहा था। सिकंदर दिल में दुनिया पे फतह करने का ख्वाब लिए एक के बाद एक देशों को मटिया मीट करता लगातार बढ़ रहा था। ऐसे बर्बर राजा का खौफ अब मेरी सीमाओं पे दस्तक दे रहा था और मुझे बेसब्री से इंतजार था उसका जो मुझे सिकंदर के इस संभावित खतरे से बचाता। इतिहास के सुनहरे पन्ने को लिखने के लिए चुना गया तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य को। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शांति शांति शांति। नियति ने जहां एक ओर मेरी सीमाओं पर खतरे बिखेरे वहीं दूसरी ओर उनका मुकाबला करने के लिए एक तरफ चंद्रगुप्त जैसा वीर पैदा किया जो उस समय की मेरी जरूरतों को देखते हुए सचमुच एक हीरा था पर था अनगढ़। इसीलिए उसे तराशने के लिए नियति ने चाणक्य जैसा आचार्य भी उसी दौर में पैदा किया जिसके मन में अखंड भारत का सपना भी था और उस सपने को पूरा करने के लिए उपयुक्त शासक की जबरदस्त इच्छा भी जो मुझे एक सूत्र में बांध मुझे अपराजेय बना सके। अरे वो रहे आचार्य। पुरुषदत्त आचार्य ये क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा मट्ठा खरीदा और छाड़ी में डाल दिया। चुप रहो भद्रभट, ये आचार्य चाणक्य हैं। करते रहते हैं ये विचित्र विचित्र बातें। गुरुकुल में ऐसे ही सब इन्हें विद्रोही आचार्य नहीं कहते।
आचार्य। आचार्य चाणक्य को पुरुषदत्त का प्रणाम। भद्रभट्ट का भी प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। यशस्वी भव। आचार्य, हमारी आंखों के सामने आपके पांव में कांटा लग गया। हमें बहुत बुरा लगा आचार्य, पर हम कर भी क्या सकते थे। पांव में कांटा चुभना था दुर्भाग्य, पर महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या किया मैंने। हम दोनों भी यही देख रहे थे आचार्य। आचार्य, ये कोई तंत्र क्रिया तो नहीं? जो कष्ट मुझे हुआ वो दूसरों को ना हो, इसीलिए मुझे लगा कि इस कष्ट के कारण को ही नष्ट करना है आवश्यक। झाड़ी में मट्ठा डाल के कैसे आचार्य? झाड़ी में मट्ठा आमंत्रण है उन चींटियों को जो अब आएंगी और मिटा देंगी झाड़ी को जड़ से। तत्पश्चात ये मार्ग हो जाएगा कांटों बिना सहल सबके लिए। समस्या से बचना ही आवश्यक नहीं, समझदार वो है जो समस्या से टकराए तो फिर उसे मिटाकर ही दम ले। कुछ कहना था मुझसे? हाँ, प्रधानाचार्य जी ने आपको तुरंत बुलाने को कहा है। आचार्य, गुरुदेव गुरुकुल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य, आचार्य, गुरुदेव, पर्शिया में हमने अपनी आंखों से देखा है, सिकंदर ने वहां सब कुछ नष्ट कर अपना राज्य जमा लिया है। मेसेडोनिया से तो वो निकला ही विश्व विजय के लिए है। जो उसके सामने आता है, सर उठाता है या फिर सामना करता है, उसकी सेना उसे कुचल के रख देती है। आप लोग तो व्यापारी हैं, विदेशों के बारे में आप लोगों का व्यवहारिक ज्ञान हम सबसे कहीं अधिक होता है। आपको क्या लगता है, सिकंदर यहां तक भी आ सकता है? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मैं भले ही व्यापारी नहीं पर तक्षशिला में आचार्य अवश्य, और मेरी समझ से सिकंदर अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हिंदू कुश पार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत। विद्रोही आचार्य, अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव। गुरुदेव, क्षमा चाहता हूं। 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो और क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए भी तुम्हारे स्वप्न को क्या कहूं वत्स? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। यह ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। परंतु इस असंभव कार्य को करेगा कौन? मगध। मगध, वो आपकी जन्मभूमि है, इसलिए। नहीं आचार्य सुखदेव, मगध केंद्र है इसलिए, मगध मजबूत है इसलिए, मगध समृद्ध है इसलिए। तुम सत्य कह रहे हो चाणक्य, लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव, काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा ये। हम तक्षशिला के शिक्षक हैं,
मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। विद्रोही आचार्य, मेरे विचार से कार्य तुम्ही को करना चाहिए। हाँ हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो मगध के लिए, क्योंकि यदि तुम अभी शुरू करोगे तो वहां वसंतोत्सव में पहुंच सकते हो। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा, सुंदरी, मतलब वसंत ही वसंत। यदि गुरुदेव आपको वहां भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए, राष्ट्रहित के साथ साथ, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार। तो निश्चित रहा चाणक्य, तुम शीघ्र मगध जाने की तैयारी शुरू करो। आचार्य, आपने तो कहा था कि पाटलिपुत्र में वसंतोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर यहां तो सुनो, मगधपति महाराज धनानंद का आदेश सुनो। लकड़ी, चमड़े और लोहे की हर वस्तु पर इसी क्षण से राज्य कर बढ़ाया जाता है। कर दो या सर दो। सुनो सुनो सुनो। We'll be right back.
लग रहा है कि यहाँ वसंत उत्सव कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संत उत्सव के उपलक्ष्य में होने वाली ज्ञान सभा का आयोजन स्थल कहाँ है? इस बार ज्ञान सभा नहीं हो रही है। क्यों? मैं कोई जनसंपर्क अधिकारी हूँ, क्यों दूं मैं आपके प्रश्न का उत्तर? क्योंकि तक्षशिला से मैं यहाँ ज्ञान सभा में भाग लेने ही आया हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ। क्षमा करें आचार्य, ज्ञान सभा हो या ना हो, भला ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो मात्र राजमहल का द्वारपाल हूँ। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई सेवा हो तो कहें। मुझे तुरंत महाराज से मिलना है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ रुककर प्रतीक्षा करें, मैं सूचना अंदर भिजवाता हूँ। वैसे नाम और काम क्या बताऊँ? यदि पूछा गया तो नाम चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, और काम राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक विचार विमर्श। जी आचार्य। मैं चुका दूंगी सारा कर, बस कुछ दिनों का समय और दे दीजिए सरकार, हम पर दया कीजिए सरकार, मेरे छोटे छोटे बच्चे सरकार। तुमने महाराज को यही संदेश दिया है ना कि तक्षशिला से आचार्य चाणक्य उनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने के लिए मिलना चाहते हैं? हाँ, कहा तो यही था, परंतु महाराज भी अंदर राष्ट्रीय हित के कार्य में व्यस्त हैं। ऐसी कौन सी मंत्रणा में डूबे हैं महाराज? We'll be right back.
त्रिगदा दादा त्रिगदा गदगिन टिट कत गिन्ना ददिदा कतदा ततिदा त्रिगदा त्रिगदा दादा त्रिगदा दा त्रिगदा त्रिगदा दा दा गुडंग मुदंग दा गुडंग मुदंग मुदंग दा दिन दा त्रिगदा दिन दा Tum kada 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 tum k
बजाओ। कौन हो तुम? मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है महाराज, पर तक्षशिला के इस आचार्य को डर है कि यही सवाल यदि आपके सामने रख दे कोई तो क्या उत्तर देंगे आप? कदाचित भूल चुके हैं कि कौन है आप महाराज। रुगदा, 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 रुगदा। मेरे प्रश्न का समझ में आने वाली भाषा में उत्तर दो। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। बड़े खेत की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक टोक आ सकता है। हमारे राग रंग में व्यवधान डाल सकता है। हमें अपनी कक्षा का छात्र समझ ये तक कह सकता है कि हम ही ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। तिगड़ तिगड़ धां। सर तो उड़ाया जा सकता है, तिगड़ धां। हाय रे तेरा सौभाग्य, आज वसंतोत्सव है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं इसलिए चुपचाप बता दे कि तूने हमारे राग रंग में भंग डालने का ये दुस्साहस क्यों किया दुष्ट ब्राह्मण। आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठाता मैं,
यदि आपके पास नहीं तो और कहां जाता मैं? पर आपकी बात करने नहीं है अमात्य, मत रोको इसे, ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखें तो सही कौन कौन सी शिक्षा लाया है ये हमारे लिए। त्रिगड़दा, त्रिगड़दा, खुल के दृष्टता करने दो इसे। त्रिगड़दा, 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 महाराज, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है, वो हिंदुकुश पार करे इससे पहले आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम, समय है हमारे पास बहुत कम। ये देखिए, ये भारत है और ये मगध, भारत का केंद्र है मगध। जब तक सिकंदर की सेना हिंदुकुश पार करे आप सीमांत प्रदेश कह गए और गांधार को संधि से अपने साथ ले ले। महाराज, टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। तूने हमारे धैर्य की परीक्षा, अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो शिक्षक के सामने होती है। परसों बाद जब वो अपने घर लौटे तो नगर में घुसते ही उसे कर बढ़ाने की मुनादियां दिखी, सजी धजी दुकानों के सामने गिड़गिड़ाती गरीबी दिखी, कर दो या सर दो जैसी धमकियां दिखी। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है, और शासन चलाना सिखाएगा हमें? आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंक दो। महाराज, महाराज सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बहुत समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, सिकंदर की सेना को मुंह तोड़ जवाब अखंड भारत ही दे सकता है। महाराज, बिखरे भारत को जोड़ दीजिए महाराज, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, अब भी समय है, संभल जाइए महाराज, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। महाराज, महाराज आपको इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा, अब भी समय शेष है, मेरी बात मान लीजिए महाराज। महाराज, महाराज कह दो द्वारपालों से आज के बाद किसी भी ऐरे गैरे को हमारे रंग में भंग डालने की छूट नहीं होगी, फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या तक्षशिला का आचार।
आचार्य। तेरी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना। शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। याद रखना इसे। देखा अब नंद का ये वंश मिट जाएगा और नया राजा फिर यहीं दिख जाएगा। बिखरा भारत जिसके बल से एकजुट हो जाएगा, पर कहां है वो? भाई ध्यान से जान लो, पहचान लो सब। आचार्य क्या सोच रहे हैं? इससे पहले कि राजा के सैनिक ढूंढते हुए यहां आए और हमें पकड़ के कारागार में डाल दें, हमें तुरंत किसी निरापद जगह की ओर चल देना चाहिए। पर हम यहां से भागें क्यों? कोई अपराध किया है हमने? आचार्य धनानंद के कोप से बचने के लिए कोई उपाय तो करना होगा ना। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है आचार्य। डरो मत भद्रभट, ये खेल है नियति का। देखो इसे, समझो इसे। आपने धनानंद के विरुद्ध जो प्रतिज्ञा ली है उसके बाद तो अब नियति भी हमें बचा नहीं पाएगी आचार्य। हम तुरंत यहां से भाग चलते हैं, क्योंकि अगर धनानंद के सैनिकों ने यहां आकर हमें पकड़ लिया तो वे निश्चित ही हमें मार डालेंगे। चुनौती देने के बाद भागना कायरता होती है भद्रभट। अपनी चुनौती को पूरा करने के लिए आप सैनिक कहां से लाएंगे आचार्य? धनानंद को उसके सिंहासन से हटाना, नया राजा ढूंढना, यह सब का कम मुश्किल काम है। और फिर आपने तो अखंड भारत और सिकंदर को हराने जैसी प्रतिज्ञा भी पाल ली है आचार्य, क्या यह सब संभव है? नियति का लिखा अब टल नहीं सकता।
वर्षों बाद मैं जो लौटा हूं अपनी मातृभूमि में, जाने क्यों लगता है मुझे खेल ये सारा। जैसे तैसा था अपमान मेरा या शपथ मेरी, ये सब खेल है नियति के। जब कभी कहीं किसी राजा का अत्याचार बढ़ता है, तब समय भी बदलाव का फिर चक्र घड़ता है। और अब यदि उसने बदलाव के लिए मुझे सेतु चुना है, तो देखना अब नंद का ये वंश मिट जाएगा और नया राजा फिर यहीं दिख जाएगा। बिखरा भारत जिसके बल से एकजुट हो जाएगा। पर कहां है वो, कहां है वो, कहां है वो, कहां कहाँ होगा? वहाँ होगा। फिर से जीत गया ये? ये हमेशा जीत जाता है। यार, तू हमेशा जीत कैसे जाता है रे चंद्रगुप्त? अरे इसमें क्या है? मैं बस इतना सोच लेता हूँ कि लक्ष्य पर मेरे माँ के हाथ की बनी खीर का कटोरा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हर्ष लेने के लिए मैं दौड़ पड़ता हूँ और जीत जाता हूँ। माँ के हाथ की खीर की कल्पना से जीत? मूर्ख बना रहा है हमें। अरे नहीं नहीं, सच, मेरे माँ के हाथ की बनी खीर होती इतनी अच्छी है कि बस। ये पता है मेरे मामा क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तेरी माँ खीर बनाते समय उसमें गुड़ के साथ अपना प्यार भी डाल देती है और इसी वजह से खीर और भी मीठी हो जाती है। चंद्रगुप्त, हाँ, तू जल्दी जा, तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है। माँ, thank you.
क्या कर रहे थे? हाँ, छुप रहे थे? मारू मारू तुम्हें? क्या कर रहे हो? मेरा पहला दोस्त है तू ही माँ, तुझे हो पता के ना हो पता, मैं तेरी आँखों का तारा हूँ, तुझे हो पता के ना हो दर्शक है सहारा भी तू, भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको मां, भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको मुरा। ए मुरा, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मुरा? राजा के सैनिक तेरे भाई को कर न चुकाने के जुर्म में पकड़कर ले गए हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भैया भैया माँ, भैया माँ रुक जा, माँ माँ मैं कुछ करता हूँ। अरे तू क्या करेगा? मैं मानू के लाऊंगा माँ। माँ तू रोना नहीं, मैं अभी जाता हूँ। नहीं, नहीं चंदू, चंदू रुक जा, चंदू मत जा वहाँ, चंदू मत जा वहाँ। याद से पहले 15 पण ला के देगा तभी छोड़ूंगा इसे। चल। मामा! मामा! मैं तेरी मदद कर सकता हूँ छोकरे। ये गुलाम तुम्हारे शिकार में बड़े काम आएंगे, मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, तेज भागते हैं, और क्या चाहिए? ले लो इनमें से कोई भी ले लो। तेरी मदद कर सकता हूँ छोकरे। आप मुझे 15 पण दे सकते हैं? हाँ दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अपने मामा को छुड़ाने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी ये बात याद रखना छोकरे, वरना मैंने कहा ना आपसे, मुझे अपने मामा को छुड़ाना है बस, फिर चाहे कोई भी मूल्य छुड़ाना पड़े। अच्छा तो चल, ठीक है चल मेरे साथ। मुरा भैया,
भैया भैया आप आ गए, छोड़ दिया उन नासपिटों ने आपको। भैया आप अंदर चलिए, कहीं वो फिर से आ गए तो। चंदू कहाँ है? माँ चंदू, चंदू चंदू, ये कौन है? माँ इन्होंने सिपाहियों को पंद्रहपन देखकर मामा को छुड़ाया। माँ ये मेरे मालिक हैं। मालिक मतलब? माँ मैंने पंद्रहपनों के लिए इनको खुद को बेच दिया। क्या? बच्चा लगा रखा है जनाब? मैं ये बच्चा बच्चा कुछ नहीं जानता, समझे? मैंने तो सीधा साधा सौदा किया है। इसने पंद्रह पण में खुद को बेचा है मुझे, और मैंने खरीदा है बस। क्यों रे बताई सही, झूठ बोल रहा हूं मैं? नहीं माँ ये सच बोल रहे। अरे चुप कर तू, तू जानता भी है खुद को बेचने का मतलब क्या होता है? जानता है तू? माँ मुझे पंद्रह पड़ चाहिए थे जो इन्होंने मुझे दे दिए, और बदले में इन्होंने मुझे खरीद लिया बस। अरे चंदू पंद्रह पड़ में बिक गया तू, गुलाम बन के अपने मामा को छुड़ाने के लिए। माँ अब तुझे दिन रात गुलामी करनी पड़ेगी। तेरा खेलने को जी चाहेगा ना तो तू खेल नहीं पाएगा। रात को जब तुझे नींद नहीं आएगी तो मेरी लोरी नहीं इसकी मार सुलाएगी तुझे। ये तूने क्या कर दिया रे चंदू? चंदू तू मुझे कभी अब देख नहीं पाएगा, समझा तू? चंदू तू मुझसे दूर चला जाएगा। बस बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक, अब तो चुपचाप चल यहां से, चल चल चल। रोना नहीं मां मैं आऊंगा, मां का ध्यान रखना। चंदू रोना नहीं मां मैं आऊंगा। तू रुक जा चंदू, मां का ध्यान रखना। मत, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। जिसने अभी अभी अपने मामा को छुड़ाने के लिए खुद को बेच दिया हो, जो अभी अभी मेरे सामने गुलाम बनकर जा रहा है, बाबा उसका क्या भविष्य? वो कैसे सम्राट बनेगा? नियति के खेल इतने आसान नहीं जो हर कोई पढ़ ले। आज घर के बाहर पहला कदम रखा है तेरे बेटे ने, और मेरी बात याद रखना, एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा, एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा तेरा बेटा। Bye!
मैं एक दिन जरूर वापस